बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग अपना 11th यूनिट मैट्रिक का और 10th का चैप्टर नंबर 2 साउंड, उसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। ठीक है, इससे पहले हम पिछला पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, आपकी जो ये फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट है, ठीक है, क्लास 10 फिजिक्स, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर भी कम्प्लीटली अपलोडेड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, और ये जो सेकेंड चैप्टर है वो भी आपका अपलोड कुछ बहुत सारा हो चुका है, बहुत सारा अपलोड हो रहा है आपके लिए। ठीक है, तो बस आपका ये थोड़े से टॉपिक्स रह गए और ये लास्ट टॉपिक आज मैं आपका डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो अब हम देख लेते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, व्हाट बेसिकली इज अकॉस्टिक। अकॉस्टिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ साउंड, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्शन, transmission, effects and so on. There are so many types of acoustics like environmental noise, musical acoustics, ultrasounds, infrasounds, ठीक है, vibrations and dynamics. आपके पास क्या है, acoustics basically वो branch है physics की जो कि sound के साथ particularly deal करती है. Sound कैसे produce हुआ, उसके कौन कौन से characteristics हैं, यानी उसकी loudness कितनी है, pitch कितनी है, quality कितनी है उस sound की, वो sound कैसे produce हुआ, वो sound एक जगह से दूसरी जगह कैसे गया, उसके क्या effect थे किसी बंदे पे, pleasant थे या unpleasant effects थे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो acoustic की इस वजह से बहुत सारी types आ जाती हैं। Environmental noise को हम acoustics में study करते हैं, musical acoustics आ जाता है जिसमें हम musical sounds को study करते हैं, ultrasounds आ जाता है जिनमें हम 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स उनको स्टडी करते हैं, इंफ्रा साउंड्स आ जाते हैं, यानी ऐसी साउंड जो कि 20 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी रखती हैं उनको स्टडी करते हैं, साउंड वेव्स की वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, उनके जो डिफरेंट डायनेमिक्स होते हैं, मतलब उसकी वजह से जो मीडियम के अंदर चेंज आ गया है, साउंड वेव्स के अंदर किसी चीज़ की वजह से चेंज आ गया, तो वो सब के सब हम किस में स्टडी करते हैं, अकॉस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। व्हाट इज एनवायरमेंटल नॉइस, एनवायरमेंटल नॉइस इज डिफाइंड एज अनडिजायरेबल और डिस्ट्रक्टिव ओपन एयर साउंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज नॉइस एमिटेड बाय मींस ऑफ रोड ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, रेल ट्रैफिक एंड एयर ट्रैफिक। एनवायरमेंटल नॉइस क्या है, एनवायरमेंट के अंदर अनप्लेजेंट साउंड का होना इज नोन एज एनवायरमेंटल नॉइस। ये क्या होती है, अनडिजायरेबल होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है, जो कि ओपन एयर के अंदर होती है। ये मोस्टली किसकी वजह से होती है, ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर कोई काम हो रहा है उनकी वजह से होती है, डिफरेंट ट्रैफिक की वजह से होती है, एयर ट्रैफिक की वजह से होती है, यानी एरोप्लेन, जेट्स वगैरह, इनकी वजह से ये सारी की सारी जो पोल्यूशन आ जाती है, नॉइस पोल्यूशन आ जाती है, इसे कहते हैं एनवायरमेंटल नॉइस। अच्छा, व्हाट बेसिकली इज अकॉस्टिक प्रोटेक्शन नाउ। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको जनरली एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हाट आर अकॉस्टिक, लेकिन शॉर्ट में भी आ सकता है, और अकॉस्टिक प्रोटेक्शन पे ना घुमा फिरा के आपसे को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, व्हाट बेसिकली इज अकॉस्टिक अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, द टेक्निक और द मेथड यूज्ड टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट और पोरस सर्फेस इज कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब आपने सुना होगा ना, ये साउंड प्रूफ रूम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस रूम से बाहर साउंड नहीं जाती और इस रूम से अंदर नहीं साउंड, इस रूम के अंदर जो है वो साउंड नहीं आती कोई, तो इस वहां पर क्या यूज किया जाता है, वहां कुछ सॉफ्ट या पोरस सर्फेसेस डेवलप कर ली जाती हैं वॉल के अगेंस्ट, वॉल के आगे कुछ सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसेस चिपका दी जाती हैं, लगा दी जाती हैं पूरे रूम के अंदर, जिसकी वजह से बाहर की साउंड अंदर नहीं आती और अंदर की साउंड बाहर नहीं जाती। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सर्फेस इज रिजिड एंड स्मूथ। अब देखिए, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस को यूज क्यों किया जाता है। तो देखिए, जब आपकी सरफेस पोरस नहीं होती, बिल्कुल रिजिड होती है, बिल्कुल सख्त होती है, उसके अंदर कोई भी क्या होता है, कोई भी होल्स वगैरह या पोर्स नहीं होते, या वो सरफेस सॉफ्ट नहीं होती, रिजिड होती है, बहुत सख्त होती है और स्मूथ होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, यानी साउंड वेव जाके टकराई और वापस आ गई, तो वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एंड लेस इफ द सर्फेस इज सॉफ्ट एंड इररेगुलर। लेकिन अगर आपकी सर्फेस क्या है, उसके अंदर डिफरेंट पोर्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय दिस मटेरियल। सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज ड्रैपरीज एंड रग्स, रग्स जनरली जो कि आप यूज करते हैं, ड्रैपरीज, वो क्या है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी एंड दस क्वाइट एकोज एंड सॉफ्टनिंग नॉइसेस।
क्या होगा, आप देखेंगे कि जिस रूम में कारपेट्स वगैरह बहुत बिछी हुई है, बहुत मोटे मोटे पर्दे लगे हुए हैं, उसमें बाहर की साउंड भी बहुत काम आती है और अंदर की साउंड भी बाहर बहुत जाती है। लेकिन ऐसा रूम जो कि सपोज बिल्कुल खाली है, उसमें आप जरा सा बोलते हैं वो बाहर अब भी आवाज़ जाती है और अंदर भी बहुत ज़्यादा गूंजती है, वो इस वजह से होता है बिकॉज उस रूम के अंदर कोई भी एब्जॉर्बिंग सर्फेस मौजूद नहीं है, कोई भी सॉफ्ट सर्फेस या पोरस सर्फेस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सारी की सारी साउंड की एनर्जी इधर उधर फैल जाती है और आपको बहुत ज़्यादा एको सुनाई देता है। लेकिन अगर आपके रूम के अंदर कोई ऐसी सॉफ्ट सर्फेसेस मौजूद हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, साउंड की एनर्जी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और एको क्रिएट नहीं होने देंगे, ठीक है। दैट्स बाय यूजिंग सच मटेरियल्स इन नॉइजी प्लेसेस वी कैन रिड्यूस लेवल्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। However, if the surface of the classrooms or the public halls are too absorbent, the sound level may be low for the audience. अच्छा, लेकिन ये acoustic protection वाली चीज़ें क्या करनी है, वो आपने कुछ जगहों पे यूज़ करनी है, कुछ जगहों पे यूज़ नहीं करनी। सपोज आपका एक ऐसा बेडरूम है जहाँ पे आपने सोना है, ठीक है, तो वहाँ क्या होनी चाहिए, नॉइज़ कम से कम होनी चाहिए। तो वहाँ आप क्या करेंगे, वहाँ आप ये रग्स वगैरह, ड्रैपरीज वगैरह यूज़ करके उस एको को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्लासरूम है जहाँ पे सबको आवाज़ जानी चाहिए, वहाँ पर अगर आप ऐसी मोटी मोटी पोरस और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो क्या करेंगे, सारे साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो लास्ट बच्चों तक आवाज़ नहीं जाएगी। सो ये आपने ज़रूर देखना होता है कि दैट इन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए, एक रीजनेबल जगह पे होना चाहिए, हर जगह आपने ऐसी उठा के ये चीज़ें यूज़ नहीं कर देनी। सो दिस इज़ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। एंड फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। नहीं आता कोई भी चीज़, वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे से ऑनलाइन ट्यूशन भी ले रहे हैं और वो स्टूडेंट्स जो कि यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ऑनलाइन वाले तो मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगी और वो बाकी के लिए भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है, ताकि अगर किसी के जहन में वो क्वेश्चन नहीं आ रहा या आ रहा है और वो पूछ नहीं रहा तो भी उसको उसका आंसर मिल जाए, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन यूट्यूब से देख के लेक्चर्स ले रहे हैं वो फिर आप कमेंट सेक्शन में ही क्वेश्चन पूछें, अपनी क्यूरीज लिख के हमें बताएं ताकि हम उनको सॉल्व कर सकें। होप सो अकॉस्टिक प्रोटेक्शन वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, एंड इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।